ये शंभू बॉर्डर नहीं लग रहा, हमें तो लग रहा है कि कोई भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है। सामने से पुलिस, मतलब आप जरा सा बैरिकेड्स तक जाते हो तो पुलिस अपनी बंदूकें तान देती, भाई तो बॉर्डर पे जाकर के ये सब करो ना, हम तो देश के लोग हैं। इनके पास पावर किस बात की, घमंड किस बात का, अहंकार किस बात का, कुर्सी का ना, तो कुर्सी कोई लेके पैदा हुए थे या लेके मरोगे क्या? आपसे पहले कौन थे ये जनता नहीं जानती है, आपके बाद कौन होगा ये भी जनता नहीं जानती, लेकिन आप होते हुए क्या कर रहे हो ये इतिहास जानता है। जहां जहां देश में बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां वहां आंदोलनकारियों को कुचला जा रहा है, आंदोलनों को दबाया जा रहा है। भोपाल में नॉर्थ से, साउथ इंडिया से हमारे कुछ किसान साथी आ रहे थे, उन्हें डिटेन किया। देखिए आरएसएस का इतिहास है, 1925 से लेकर 1947 तक का आप इनका इतिहास उठा करके देख लीजिए, कहीं ना कहीं अंग्रेजों के चप्पल चाटते हुए यह आपको इतिहास के पन्नों में दर्ज दिखेंगे। इस देश की धरती पे अगर सिख भाई आंदोलन करते हैं, हक अधिकार की बात करते हैं, तो सरकार उनके लिए खालिस्तान शब्द का उपयोग करती है, ट्रेड हो गया है। मुस्लिम भाई अगर वो अपने संवैधानिक हक अधिकारों की बात करता है तो उसको पाकिस्तानी आतंकी करार दे दिया जाता है। 56 इंच की छाती वाला चौकीदार इन्ना घबराया हुआ है कि हुण छोटे छोटे जिहड़े ग्रुप ने किसानां दे, कोई तमिलनाडु तो चल रहा है, कोई आसाम तो चल रहा है, उन्हां नूं भी राह दे विच टक्किया जा रहा है, उन्हां नूं डिटेन किया जा रहा, तंग परेशान किया जा रहा। साडे भरा जिहड़े ने, इह नहीं हैगा कि कल्ला पंजाब दा किसान दुखी आ, पूरे भारत वर्ष दा किसान दुखी आ। ते हुण जुड़ना शुरू हो गया, जिवें पिछले अंदोलन दे विच साडे वीर जुड़ने शुरू होए सीगे, ते आसाम दे विच वी अंदोलन शुरू हो गए ने, मणिपुर दे विच हो गए ने। जिहड़ियां आपां फुटेज देख रहे हां, भोपाल दे विच कुछ किसान वीरां नूं ट्रेनां तों उतार के गिरफ्तार किया गया, उन्होंने कुछ वीर बच गए ने, कुछ वीर साढ़े तक पहुंचे ने, चार पांच वीर साढ़े तक आ चुके ने, उन्होंने गलबात करते हैं। सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार आपको, कैसे हो, ठीक ठाक पहुंच गए? बेहतरीन, शानदार। रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? दिक्कतें तो बहुत थी, लेकिन हमारा जो लक्ष्य था वो निर्धारित था, और हमारे पास जो सूचनाएं आ रही थी उसमें यहाँ जो साथी पहले से आए हुए थे उन्होंने ये स्पष्ट कहा था कि कोई भी ऐसा साइन या मोटो यूज नहीं करना जो आंदोलन से जुड़ा हुआ हो, तो इसीलिए हम अपने मफलर, गमछे और जितना भी जो फ्लैग्स वगैरह होते हैं वो सब हमने अंदर रखा हुआ। अच्छा, एक चीज और बताओ, हमारे लड़के यहाँ पे गोलियां खा रहे हैं, रबड़ की तो खा ही रहे हैं, पीतल की भी खा रहे हैं, किसी के बाजू में से गोली पार हो गई है, किसी के पैर में से गोली पार हो गई है, तो जब घर से चले थे तो घर वालों ने वो वीडियो तो देख ली होंगी, घर वालों ने वो फुटेज सारी देखी होंगी, तो घर वालों ने बोला नहीं कि कहाँ जा रहे हो जंगे मैदान में कूदने के लिए? देखिए, पिछले 10 साल का जो केंद्र सरकार का जो शासन करने का तरीका है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो एक तरीका जो हम देख रहे हैं, तानाशाही जी, वो लगभग लगभग देश का हर व्यक्ति देख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है। अब ऐसी स्थिति में जब हम किसी आंदोलन के लिए निकलते हैं तो ये सारी चीजें जो परिस्थितियां आपने बताई ये स्वतः वहां खड़ी होती है और शांत भी हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां गए तो ये सब होना जायज है, क्योंकि हम संघर्ष की राह में, आज हम जिस सुकून से जी रहे हैं उस सुकून को पाने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लाखों की तादाद में ऐसे हमको नाम मिलेंगे पूरे देश में जिन्होंने अपनी आहुतियां दी है, तब जा करके हम आज सुकून से जी रहे हैं। लेकिन आज जो डिक्टेटरशिप आई है, दिल्ली की सत्ता पे बैठी है, तो ये कह सकते हैं कि ये दूसरी मुगल सल्तनत है, वो भी नेस्तोनाबूद करना चाहते थे, कपड़े बदल के ये भी वही काम करना चाहते हैं, ये सिस्टम को बर्बाद करना चाहते हैं। ये ऐसे मुगल हैं जो भगवादारी होने का पाखंड कर रहे हैं, बिल्कुल, ये अंदर से ये तालिबान के बेस में ये मुगल है, ये गलत नहीं होगा कहना, क्योंकि पूरा देश देख रहा है। यहाँ हमने आकर के देखा ट्रैक्टरों के ऊपर गोलियां लगी हुई है, ये शंभू बॉर्डर नहीं लग रहा, हमें तो लग रहा है कि कोई भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है। सामने से पुलिस, मतलब आप जरा सा बैरिकेड्स तक जाते हो तो पुलिस अपनी बंदूकें तान देती, भाई तो बॉर्डर पे जाकर के ये सब करो ना, हम तो देश के लोग हैं। पर ये देश के लोग हमें मान नहीं रहे ना। आज खट्टर साहब का एक बयान है, दो बयान है इवन के, पहले बयान में वो ये कह रहे हैं कि हमने अपना बंदोबस्त कर लिया, सरहद बांध ली है, पंजाब अपना देखे,
मतलब कि तुम चाह रहे हो कि हम मतलब अलग कर लें, ये पहला बयान है कर कुछ नहीं है, ये दो कोड़ी के चूहे हैं, क्या बात है, इनमें कुछ नहीं है, इनके पास पावर किस बात की, घमंड किस बात का, अहंकार किस बात का, कुर्सी का ना, तो कुर्सी कोई लेके पैदा हुए थे या लेके मरोगे क्या? आपसे पहले कौन थे ये जनता नहीं जानती है, आपके बाद कौन होगा ये भी जनता नहीं जानती, लेकिन आप होते हुए क्या कर रहे हो ये इतिहास जानता है। आज आपने जो किया है तो ये खाली हरियाणा की बात नहीं है, जहां जहां देश में बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां वहां आंदोलनकारियों को कुचला जा रहा है, आंदोलनों को दबाया जा रहा है। भोपाल में नॉर्थ से साउथ इंडिया से हमारे कुछ किसान साथी आ रहे थे, उन्हें डिटेन किया। कितने थे टोटल? ये करीबन 200 के आसपास थे। भोपाल उन्हें पहले भोपाल में डिटेन किया, 12 घंटे बाद उनको सेंट्रल जेल भेज दिया। और उनपे क्या मतलब ट्रैवलिंग का पर्चा डाला कि ये ट्रैवल कर रहे थे? भाई वो तो ट्रैवल कर रहे थे ना, ट्रैवल करने करते हुए व्यक्ति को डिटेन करने का उचित क्या? और ये जहां जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां से ये सूचनाएं बहुत ज्यादा आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आना चाहिए। ऐसा लगता है कि बीजेपी का कहीं ना कहीं प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रहा है, डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रहा है, ये देश को तानाशाही की ओर ले जा रहे हैं। और हम लोग जो आज का युवा है, जो पढ़ा लिखा है, जो प्रजातंत्र के इम्पोर्टेंस को समझता है, वो इसका विरोध करता है। और हमारे बाद आपके बाद यूथ और निकलेगा सड़कों पर। सरकार अपनी बंदूकें तैयार कर ले, अगर उनको देश के अंदर ही खून खराबा करके और सुकून मिलता है तो ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, खून खराबा से और बंदूकों से याद आया, खट्टर ने आज अपने जो चमचे हैं ना, जो इनके वो दंगा ब्रिगेड है, उनको छूट दे दी है। खट्टर का एक और बयान है, दूसरे बयान की बात मैं कर रहा था, ये इन्होंने आरएसएस वाले जो अपने चमचे हैं उनको ये बोला है कि भाई तुम लाठियां उठा लो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 2-3 साल की सजा लग जाएगी, तो तुम नेता बन के निकलोगे। तो ये खून उनको मतलब छूट दे रहे हैं तो तुम लड़ो आके इनसे। देखिए आरएसएस का इतिहास है, 1925 से लेकर 1947 तक का आप इनका इतिहास उठा करके देख लीजिए, कहीं ना कहीं अंग्रेजों के चप्पल चाटते हुए ये आपको इतिहास के पन्नों में दर्ज दिखेंगे। और आज ये उंगली कटा करके अपने आप को शहीद कहते हैं। तो इनसे ज्यादा नकारा, निकम्मा और नालायक इस देश की धरती पर कोई दूसरा जीव नहीं है। ये आप मुझे बताइए। बिल्कुल, यही बात देश की जो आवाम है, जो आम जनता है, वो समझ रही है, वो देख रही है। भाई जो काम सरकार को करना चाहिए वो आरएसएस को क्यों करने के लिए कह रहे हैं? तो सरकार क्यों है? आप सरकार क्या है? ये वर्दी में हमने शाहीनबाग में देखा, वर्दी में लोग थे जो लाठियां बांध रहे थे लोगों पे, और वही लोग बाद में आरएसएस के शाखा में मिले, उनकी फोटोज मिली। अब यही यहां हो रहा है, मुंह बांध के गोलियां मार रहे हैं। जिस तरीके से गोलियां मार रहे हैं, इस तरीके से कोई देश का जवान जो है, जो देश के लिए लड़ रहा है, मर रहा है, वो आम नागरिक की तो गोली चला ही नहीं सकता। नहीं चलाएगा ना। देखिए जो ट्रेंड पुलिस मैन होता है, पुलिस ऑफिसर्स होता है, वो सबसे पहले एक इंसान होता है, उसे पता है वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन सामने वाले का भी घर परिवार है और वो आंदोलन कर रहा है जो संवैधानिक है, और वो सरकार से खून नहीं मांग रहा है, वो अपना हक मांग रहा है, जिसको दबा के सरकार बैठी हुई है। तो ये तो प्रजातंत्र में मांगना और देना और छीनना, ये सब प्रजातंत्र के तरीके हैं। लेकिन किसी को जान से मार देना, ये तो तानाशाही है, ये प्रजातंत्र तो नहीं कहा जा सकता। तो बीजेपी और बीजेपी की सरकार है, जिस जिस स्टेट में है वहां के हालात और हालत दोनों खराब है। अच्छा, एक लास्ट सवाल जो मैं अब दागूंगा आपके ऊपर, जो आपके मुझे लगता है कि इनके पास एक लास्ट हथियार होता है, जो इनकी बीजेपी का जितना भी चमचा और गोबर भक्त है, उनके पास एक लास्ट हथियार होता है कि ये तो खालिस्तानी है, ये करेंगे, अब ये कर रहे हैं आंदोलनकारियों के लिए, वही लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप जैसे वहां से आए हो, साउथ से आ रहे हो आप, तो आपको भी कहीं ना कहीं ये डर है कि आपको खालिस्तानी घोषित कर दिया जाएगा। देखिए हम पिछले 10-11 साल से आदिवासी समाज के जो संवैधानिक हक अधिकार है उनके लिए सीधे सीधे सरकार से लड़ते चले आ रहे हैं। तो ये सारे जो आरोप है आज जो आप हमें कह रहे हैं, ये हमारे लिए नए नहीं है, क्योंकि इस देश की धरती पे अगर सिख भाई आंदोलन करते हैं, हक अधिकार की बात करते हैं, तो सरकार उनके लिए खालिस्तान शब्द का उपयोग करती है, ट्रेड हो गया है। मुस्लिम भाई अगर वो अपने संवैधानिक हक अधिकारों की बात करता है,
तो उसको पाकिस्तानी आतंकी करार दे दिया जाता है। इस देश की धरती पर जब आदिवासी समाज अपने जल जंगल जमीन की बात करता है, फिफ्थ शेड्यूल की बात करता है, अपने संवैधानिक हक अधिकारों की बात करता है, उसको दबाने के लिए सीधे सीधे ये लोग वामपंथी विचारधारा या नक्सली विचारधारा का आरोप लगाते हैं। ये सरकार की नाकामी का एक जीता जागता उदाहरण है। आप व्यक्ति से बात नहीं करना चाहते, आप संगठन से बात नहीं करना चाहते, आप समाज से बात नहीं करना चाहते, लेकिन आप उसको दबाने के लिए आरोप जरूर लगाते हैं। और आरोप लगाते हैं, साक्ष्य क्यों नहीं देते हो? बिल्कुल साक्ष्य अगर उनको लग रहा है, उनको लग रहा है कि पंजाब का जो किसान समुदाय है, ठीक है, अगर वो खालिस्तान का समर्थक है तो सरकार सबूत दे, सबूत दे तो हम उस पर चर्चा करेंगे। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति है, मुस्लिम कम्युनिटी है, अगर वो किसी कोई आंदोलन कर रहा है और आपको लगता है कि इनका कनेक्शन पाकिस्तान के साथ है, तो आप सबूत क्यों नहीं देते हो? आदिवासी समाज जब सड़क पे है, आपसे चर्चा करना चाहता है, आंदोलनकारी है, आंदोलनरत है, आप उस पर वामपंथी विचारधारा या नक्सलिज्म का आरोप लगा रहे हो, तो आप सबूत क्यों नहीं दे रहे? बिल्कुल बिल्कुल, इनके असल में इनके उनको सबूत की जरूरत नहीं पड़ती। अब आपके पीछे ये झंडा है हमारा, ये हमारा धार्मिक झंडा है जी, ठीक है जी। मुझे मेरे ख्याल से आप अच्छी तरह से पहचानते होंगे। अब इसको अगर कोई खालिस्तान का झंडा बोल रहा है, पिछली बार यही हुआ जब लाल किला पे ये धार्मिक झंडा पहुंचा और इन्होंने खालिस्तान का रोल शोर मचा दिया पूरा, तो ये खालिस्तान का झंडा है। अब इनको इस झंडे का अपमान ये मान लिया जाना चाहिए कि गुरु साहब का अपमान है, और दिल्ली की सत्ता और खट्टर साहब ये समझ ले कि आदिवासी समाज अपने चिन्हों के ऊपर मर मिटने वाला है, और हम बिल्कुल इस बात को बर्दाश्त करने से इनकार करते हैं कि कोई इस ध्वज को किसी गलत नीति नियत या संगठन से जोड़े। हम इस चीज की कतई इजाजत नहीं देते हैं, हम इसका विरोध करते हैं। जी जी जी, अभी मुझे थोड़ा सा लास्ट, ये बिल्कुल लास्ट है, अब आपका जो वहां पे आंदोलन चल रहा है, दमनकारी ये नीतियां अपना रहे हैं, अभी इन्होंने मेरे नॉलेज में आया था एक, मुझे जंगल का नाम शायद आप क्लियर कर दोगे, हंसदेव जंगल, कहते हैं कि वहां पे भगवान राम रहे हैं, और उस जंगल को इन्होंने तबाह कर दिया, जो मेरे सुनने में आ रहा है, सिर्फ कोयले के पीछे। देखिए, हंसदेव के जो जंगल है वो भारत का फेफड़ा अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत घने जंगल है और अभी तक अछूते हैं, वहां सामान्यतः कोई व्यक्ति नहीं जाता है, वो जंगल इतना घना है। लेकिन अदानी के पावर प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने सारे नियम, सारी नीतियां, संविधान को दरकिनार करते हुए वो काफी लंबा चौड़ा जो जंगल है वो उनके हाथ में सौंप दिया, और वहां पे 150-150 साल पुराने पेड़ हैं, उनको काटा जा रहा है। मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि हम कार्बन फुटप्रिंट कम करना चाहते हैं, पूरी दुनिया में जाकर के वो इस चीज के वादे कर रहे हैं, और देश में आकर के और सैकड़ों एकड़ जो जंगल, चौकीदार की नाक के नीचे 150 साल पुराने, चौकीदार ही हमारा चोर निकला, हमें बिल्कुल सीधा सीधा दिख रहा है, साबित तो हो रहा है बिल्कुल, ये चोर कोई पड़ोसी नहीं है, हमारा चौकीदार ही चोर है। जी जी जी, तो भाई साहब भी आपके साथ आए जी, आप है लोकेश मुजाल्दा जी, आप जयस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अच्छा लोकेश जी, आपसे भी मैं लास्ट में बस वही सवाल पूछूंगा इस ध्वज के ऊपर, क्योंकि सारी बातचीत तो हो गई, सबसे बड़ा इनके पास एक ही पैतरा है कि ये खालिस्तानी है। अब आप वहां से चल के आए हो, आपको भी ये कमेंट में और जगह जगह टैग देंगे कि तुम भी खालिस्तानियों से मिल गए हो जाके, और उस चीज का डर नहीं आता? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत जोहार। जोहार का मतलब आपको मैं बता देता हूँ कि जोहार का हम लोग कहते हैं सबका कल्याण करने वाली प्रकृति की जय। ओके, यानी कि धरती पे रहने वाले तमाम जीव जंतु, पेड़ पौधे, पत्थर, पहाड़ सहित मनुष्य और सभी की जय। हम लोग सबकी कुशलता की कामना करते हैं। जी जी, आपने कहा कि झंडे की बात, हम लोगों को ये डर नहीं लगता, क्योंकि हम लोग पिछले 10-11 वर्षों से मध्य प्रदेश में जय आदिवासी युवा शक्ति जो जयस है, आदिवासियों के हक अधिकारों के लिए पूरे देश में हम लोग आंदोलनरत है। मध्य प्रदेश में हम लोग ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश से उसकी शुरुआत किए हैं। हम लोगों पे भी ऐसे टैग लगाने की बहुत कोशिश किए, लेकिन नाकाम रहे, क्योंकि हम लोग संवैधानिक लड़ाई के लिए जहां भी लड़ना पड़े वहां पर हम लोग उतर जाते हैं। तो ये तो इनकी नीति, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने कहा कि ये इनकी नीति होती है कि ये किसी भी संगठन को जो आंदोलनरत होता है उनको नक्सलाइट या खालिस्तान या किसी भी नाम से संबोधित करते हैं, लेकिन उससे ये साबित नहीं हो जाता कि ये वो लोग है। अगर इस देश में संविधान की बात करना गलत है तो फिर संविधान का रहना भी गलत हो जाएगा। हम लोग बार बार यही कहते हैं, हम लोग आज जहां पर हम लोग खड़े हैं, आज जैसे तैसे करके हम लोग शंभू बॉर्डर तक पहुंचे हैं, क्योंकि हम लोगों का मकसद था, क्योंकि हम लोग धरती के पहले बासिंदे किसान हैं, क्योंकि हम लोग आदिवासी हैं,
आप आदिवासी का मतलब बखूबी जानते हैं, आदि अनादि काल से धरती पर रहने वाला और किसान कम्युनिटी के लोग हैं, और आप सभी हम हमारे परिवार के सदस्य, हम लोग आप लोगों का समर्थन करने, हम किसानों का समर्थन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी बस एक भाई के नाते पत्रकारी से साइड होके, क्योंकि जो हम यहाँ पे झेल रहे हैं, हमारे भाई जो झेल रहे हैं, पैलेट झेल रहे हैं, गोलियां झेल रहे हैं, बारूद झेल रहे हैं, सब कुछ मोर्टार तक फेंक दिए इन्होंने, इस साइड से मोर्टार आ रहे हैं, इस तरीके से आ रहे हैं जैसे पाकिस्तान हुई है। आप लोग यहाँ तक ठीक ठाक पहुंच गए हो, आज ठीक ठाक हो, साबुत हो? बिल्कुल, मुझे लगता है रास्ते में बहुत कुछ हुआ पर अभी तक साबुत हो। देखिए अभी कल जंग लड़ने के लिए तैयार है, हम हमेशा लड़ने के लिए तैयार है, सिर्फ कल की बात नहीं, हम परसों भी लड़ेंगे, मतलब कल आपकी शुरुआत हो जाएगी, 10 दिन बाद होगा तो भी लड़ेंगे, 100 दिन बाद होगा तो भी लड़ेंगे, हम लड़ने के लिए हैं। देखो ये हिंदिया मतलब भाईवालता हुण ये भरा जिहड़े ने एक तां हिंदू समाज तों ने, फिर जमा ही परले पासों दी आए ने, तो देखो उन्हां दे विच उत्साह जोश ते जिहड़ा एक डर आ ना साडे पंजाबी नौजवानों नूं बड़ा डर आ कि यार सानूं कितें खालिस्तानी ना घोषित कर देण, सानूं कितें टैग ना ला देण, जमा ही मतलब परले पासे दी आए ने ते ओह बिल्कुल नहीं धड़कने कि जे लड़ना ते लड़ना, जे हक मंगने आ तां मंगने आ, लाई जाणगे टैग, कोई परवाह नहीं। सो इदां दा जज्बा जिहड़ा आ, इह जज्बा हरेक नौजवान दे विच, हर पंजाबी दे विच होना बहुत जरूरी है जी। अज दे लई धन्नवाद, भगत सिंह दुआबी, सत श्री अकाल।